कहीं डंडे पड़े, कहीं ओले, कहीं मधुमक्खियों ने हमला किया, कहीं सिर्फ महिलाओं की लग गई लाइन। शराब तेरी लीला अपरंपार। शराब इतनी जरूरी कि भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी। कोरोना हो तो हो, देख लेंगे, हाथ में शराब की बोतल जरूर हो। ये लंबी लंबी कतारें गवाही दे रही हैं कि महामारी के खौफ पर भारी है शराब की लत। शहर हर शहर, बस खरीदने वाले दर बदर। क्या दिल्ली, क्या गुंटूर, क्या मुंबई, क्या पुणे, बस निकल पड़े क्योंकि पुकार रही है मधुशाला। इसे कहते हैं जानबूझकर सबकी जान को जोखिम में डालना। ये 40 दिन के लॉकडाउन की पूरी कमाई का मजाक है। कहा तो लॉकडाउन 2 तक महामारी का खौफ ऐसा था कि सब घर में बंद थे, लेकिन लॉकडाउन 3 जैसे शराब की ऐसी सुगंध लेकर आया कि महामारी के संकट काल में हजारों निकल पड़े शराब खरीदने। कुछ सवाल बड़े हैं। क्या अब सरकारी खजाने का राजस्व सिर्फ शराब भरोसे है? और अगर उस कमाई में महामारी से मौत का खतरा हो तो सरकारें आंखें बंद कर लेंगी? देखिए आज लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन का हाल। 70% तक शराब की कीमत बढ़ा दी गई, लेकिन असर कुछ नहीं। इस वक्त हम चेंबूर में हैं, मुंबई का उपनगरीय इलाका, और आप देख सकते हैं शराब की दुकान पर यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। तक सुबह से ही लोग यहाँ पर आए हुए, और भीड़ का अगर आपको अंदाजा दिखाना चाहे तो दुकान के आप एक तरफ देखिए, इस तरह की लाइन लगी है। और ये सीधे लाइन अगर जाती है तो यहाँ से तकरीबन आगे 400 से 500 मीटर तक ये लाइन जाती है, और सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये आपको हैरान कर देंगी। ये लोग पिछले कई घंटों से शराब के ठेके के बाद इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इनको शराब मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस इलाके में उड़ती हुई नजर आ रही है। एक के ऊपर एक आदमी जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम हैं इस वक्त दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके के खैबर पास पर, जहां पे 9 बजे से ये ठेका खुलेगा, लेकिन सुबह 5:30-6 बजे से लाइन यहां लगनी चालू हो गई है। और कल यहां पर इतनी भीड़ हो गई थी कि सिविल लाइन्स के SHO ने आधे घंटे के अंदर अंदर ये ठेका बंद करवा दिया था। और आज भी आप ये देख सकते हैं, इस वक्त 8:15 बजे है, लेकिन लाइन इतनी लंबी है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ये अर्थव्यवस्था की डोर क्या महामारी के खतरे से होकर ही निकलेगी? सुनिए इस महाशय को। फूल बरसा रहे हैं शराब खरीदने वालों पर, उन्हें इकोनॉमी वॉरियर्स बता रहे हैं। इस बेहिसाब पागलपन का आलम देखिए। पुणे में 5 शराबी इंतजार में थे कि शराब की दुकान खुलेगी, ऐसा नहीं होने पर गुस्से में मधुमक्खी के छत्ते पर गुस्सा निकाल दिया। मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया कि एक की जान चली गई। वाराणसी में तो बोतलें लाइन में खड़ी थी। इस पर कब फैसला लेगा देश? कहीं बहुत देर ना हो जाए। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से सोचने की बात कही थी। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस एक घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? आज एक बार फिर कई आवाजें उठी हैं इसके खिलाफ। When corona existing and lockdown is continuing, when lockdown is continuing, how the liquor shops are allowed to sell it? लॉकडाउन 3 में जब शराब की दुकानों को इजाजत दी गई थी तो इसकी बड़ी वजह बताई गई थी राज्यों को राजस्व का नुकसान। कई राज्यों ने केंद्र से सिफारिश की थी कि शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिले ताकि महामारी में खर्च के लिए कुछ तो कमाई हो। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है, और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। राजस्व या जिंदगी, क्या शराब के लिए ये मारामारी अब इस मोड़ पर आ गई है? यही तमाशा बीते दिन भी हुआ था जब लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानें खुली।
ये पीनी है हमका पीनी है का ऐसा फितूर है कि महामारी में कैसे रहना है दूर, सब खौफ सारी जिम्मेदारी हवा हो चुकी है। कहा तो अब तक सब घरों में बैठ इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर रहे थे, अब फिक्र है तो बस बोतल की। सवाल सीधा है और वो ये कि पीने वालों की ये जमात अगर कोरोना फैलाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? लॉकडाउन में नियमों का पालन कर घर में बैठा आम नागरिक ये सवाल पूछे तो जवाब कौन देगा?